जावेद साहब बहुत बहुत स्वागत है. सतीश सर वेलकम, सो गुड टू सी यू. एंड जयंती लाल गड़ा साहब की बात हो रही है, डॉक्टर साहब के साथ आपकी एसोसिएशन सर, थोड़ा सा उसके ऊपर बताएं हमें. बिल्कुल आपके साथ सर म्यूजिक भी बिल्कुल बढ़िया बैकग्राउंड में दे रहे हैं हम लोग. इन रीजन राजस्ट आई डोंट नो वेदर इट इज स्टिल प्रिवलेंट, देयर यूज्ड टू बी वन कॉलम द मोस्ट स्ट्रेंज पर्सन आई हैव मेट इन माय लाइफ. और लोग अलग अलग लिखते थे. इफ आई हैड बीन गिवन अ चांस आई न्यू अबाउट होम आई वुड हैव रिटन. ये एक बहुत अनोखे और अजीब आदमी है. कभी कभी मुझसे लोग पूछते हैं कि यू हैव रिटन सच ब्लॉकबस्टर्स, व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ सक्सेस. आई टेल देम यू थिंक ऑफ बिग रिवर्स ऑफ द वर्ल्ड, वोल्गा, नाइल, Amazon, Ganga, Brahmaputra, they start from a distance. Unko koi highway nahi hota, koi mark nahi hote, turn left, turn right. Har river ki trajectory alag hoti hai, route alag hota hai. Isliye ki uska jo location hai, उसकी जो टोपोग्राफी है वो अलग होती है. किसी को पहाड़ हैं, कहीं रेगिस्तान है, कहीं जंगल है, कहीं मैदान है, कहीं मार्शी एरिया है. बट दीज रिवर्स अल्टीमेटली रीच द ओशन ऑफ सक्सेस. हाउ, व्हाट डू दे हैव इन कॉमन? ओनली वन थिंग, नॉट द ट्रेजेक्ट्री, नॉट द रूट, नॉट द वे दे हैव रीच. द ओनली थिंग दैट इज कॉमन is the strength in their flow, the power of their water. वो रास्ता बना लेता है. अगर इनकी जिंदगी की कहानी सुनाई जाए तो वो सिर्फ इनकी जिंदगी की कहानी है. जैसे गंगा की कहानी सिर्फ गंगा की है, ब्रह्मपुत्र की सिर्फ ब्रह्मपुत्र की है, वैसे ही जयंती भाई की कहानी भी सिर्फ जयंती भाई की. कि ये कैसे पहुँचे जहाँ तक पहुँचे, और वो समंदर जहाँ ये पहुँचे उसकी तीन लहरें बाहर लिखी गई हैं. कौन कौन सी लहरें हैं वो आपने देख ली, तो मुझे उसकी डिटेल की ज़रूरत नहीं. ये एक अजीब आदमी है. ये देखिए, ये मैं एक सीक्रेट आप लोगों से शेयर करूँगा इनका. हम लोग कितने केयरफुल होते हैं, क्या कहें क्या ना कहें, दिल में हमारे क्या है, ज़मान पे क्या, हम सब करते हैं, करना पड़ता है, वरना सामने वाला बुरा मान जाएगा भाई अगर हम सच बोल देंगे. ये एक कसिनो में एक प्लेयर है जो अपने सारे कार्ड टेबल पर रख के खेलते हैं और फिर भी जीत जाते हैं. ये समझ में मेरी नहीं आता. हर आदमी इनके कार्ड देख रहा है, एक भी कार्ड नहीं छुपाया इन्होंने, और वो लिए बैठा है अपने कार्ड. यूँ वो हार जाता है, जीत जाता है. अब ये कैसे होता है, अब इन्हीं से पूछिए, ये बताएंगे. लीजिए. थैंक यू जावेद साहब इतनी इतनी बातें करने के लिए. और जावेद साहब ने इतनी रिस्पेक्ट दी, मैंने इनके साथ कोई भी कमर्शियल काम नहीं किया, और इन्होंने इतनी इज्जत दी है कि हमारे बोर्ड पे रहें. सतीश जी भी हमारे बोर्ड पे हैं, उनके बाद हमारे यहाँ लितेश टीके बजालिया साहब और वेंदिता सिंह जी आए. और जावेद साहब ने जो हमारे बोर्ड में इज्जत दी है किसी ने नहीं दी, मैं बोल सकता हूँ.